अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो हो गई है मेरी गुड मॉर्निंग और आज मेरी मॉर्निंग बहुत ही ख़राब थी क्योंकि मेरे को सुबह से तकलीफ हो रही है वॉशरूम में। सो मुझे हो चुके हैं लूज़ मोशन बिकॉज कल रात को मैं ब्लॉग एंड करने के बाद मेरे को भूख लगी थी तो मैंने ऑर्डर करी थी सीख पराठा। तो मैं और मम्मी बैठ के खा रहे थे तो मम्मी को तो माशाल्लाह कुछ नहीं हुआ बट मेरे को भारी पड़ गया वो सीख। तो मेरे को सुबह 6 बजे से एकदम पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो गई है, बहुत तकलीफ हो रही थी सुबह से लेके अभी तक कि मैं 3 बार जा चुकी हूँ। तो मम्मी बोल रहे कि डॉक्टर को मैसेज कर दे बट मैं बोल रही हूँ कि नहीं, अगर मैसेज कर दी मैंने तो वो मेरे को दवा दे देंगे तो फिर दवा से मालूम पड़ा तो वॉशरूम रुक गई तो फिर उसमें और तकलीफ हो जाएगी। इसलिए मैं बोली कि जान दूँ, देखते हैं कब तक होते हैं फिर मैं बताऊँगी। तो मम्मी ने इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बोले थे मंगा के दे दूँगी तो वो पी लेना। और अभी साथ ही साथ नाश्ता लेके आ गया तो नाश्ता ये मेरे को बहुत दिनों से करना था, कब से बोल दी मम्मी को मेरे को ब्रेड और ऑमलेट खाना है तो ये दिया मेरा नाश्ता। तो ये ब्रेड और ऑमलेट, दूध भी दे दिए साथ में। और ये मम्मी ने नवी चीज़ ट्राई करे है ऑमलेट भी। तो ये अब तुम खा के दिखाओ कैसा है। तुम कब खाए, बना के दी मम्मी ने? अच्छा तो गया था मैं, किस हो गया। मैं तो ये खाऊंगी, ठीक है ठीक है। नहीं तुम हो गए दुबले, बस हो गया। हाँ सॉस तो मेन है, ब्रेड और ऑमलेट में तो सॉस का मजा ही कुछ और है ना अब्बा। हाँ खाओ, मैं तो ये नहीं खाऊंगी, मैं वो खाऊंगी। सुबह सुबह चीज कौन खाता है। अच्छा है पिज्जा है, ऑमलेट पिज्जा अच्छा है, खाया मैं पूछती इससे अरे मतलब अब मम्मी पूछे तुम्हारे से अच्छा है तो खाओ ना, फिर क्यों रुक गए। देखिए मम्मी नहीं खा रहे, नहीं अच्छा लगा नहीं मेरा ये है, मैंने मना करी बना। तुझे याद ना मेरी आई, पहले बोली भी सुबह 8 अंडे खा के गया। और बोलते मैं दुबला कैसे होगा, खुद ही खाते हो और हम लोग को इल्जाम लगाते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन ब्रेड तो मैंने मेरे लिए मंगाई थी, नहीं छोटा ही लाए थे। अच्छा ठीक है, तो गाइस चलो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। तो गाइस यहाँ पर आ चुके हैं हमारे मेहमान जुम्मा वाले। वो जुम्मा की दीनी सिर्फ पहनने को होता है पठानी, ऐसा नहीं पहन सकते हो नॉर्मल में भी। तो दानिश भी साथ के साथ मेरे साथ बीमार हो चुका है क्या हुआ पठानी पहनता था। अच्छा एक मिनट रुको, मैं आई, मेरा खाना जल रहा है तुम्हारे लिए गर्म कर लू। तो यहाँ पर मैं दानिश के लिए खाना गर्म कर रही थी, तो इनको फ्राइड राइस और बटर चिकन खाना था। हाँ तो बोलो क्या बोल रहे थे यो? क्या बोल रहा था? तुम एकदम फॉरेनर लग रहे हो, बोरे बोरे। चल इतराओ मत अभी, समझे ना। हाँ नहीं तो सिर्फ जुम्मा को पठानी पहन के आ जाते हैं, दिखाते पब्लिक को हाँ जुम्मा है पठानी पहना मैंने, वो भी मैंने इस्त्री करके रखी थी तो पहने, वो भी मैंने इस्त्री करके रखी तो पहने, बोलो। हाँ सो गाइस बीमार क्या हुए थे तुम आज सुबह? सो गाइस ये जिम जाता है बट ये कुछ खाता नहीं है तो इसको बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। तो ये जिम सुबह सिर्फ चाय बिस्किट खा के गए, आए तो इनका हार्ट रेट जितना गया 160 चले गया। तो जिम वाले ने बोले थे कि तुम्हारा इतना जाना नहीं चाहिए, तो इनकी हड्डी वड्डी सब टूटने लगी चेस्ट, तो इसके लिए बोलते हैं कुछ खा पी के जाया करो। नहीं खाना नहीं चालू करोगे, जिम जाना बंद करोगे, कोई जरूरत नहीं है। अभी से रोज डाइट लिख के दो क्या खाओगे क्या नहीं, और टाइम पे उठो टाइम पे सो, समझे। कल भी तुम कितने बजे सोए जिम जाके आने के बाद? रात सुबह के 8 बजे। शर्म आती है बोलने। ओहो मॉम बच्चों चुप खाओ चुपचाप। तो गाइस दानिश का तो खाना हो चुका है लेकिन हम लोगों ने खाना नहीं खाया था क्योंकि हमारे लिए बन रही थी स्पेशल डिश, तो दानिश को घर के खाने पसंद नहीं आते इसके लिए वो पहले से ही खा लिया है। तो मम्मी ने हमारे लिए बनाए थे ढाबे वाली स्पेशल खिचड़ी, ये री डन डन चब्बा नीचे से ऊपर आ गए खिचड़ी खाने। तो मम्मी बेचारे बहुत हेल्दी हो गए ले, हम लोग के लिए नवी नवी डिश बनाते रहते हैं। तो आज दाल गोश्त बनने वाला था बट आज सुबह मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मेरे साथ साथ ये लोग भी सब सो गए थे। हाँ सो गए थे। हाँ हाँ कैसा अकेला एक सोता है तो सबको नींद आती है ना अब्बा?
तो फिर इसके लिए लोग भी सब सो गए। तो इसके लिए मम्मी ने बोले मैं ना डाइट की खिचड़ी बनाती हूँ, सो पेट में थोड़ा हल्का हल्का भी रहेगा, क्योंकि अभी ये मंथ में ना मतलब लाइट खाना ही खाना चाहिए ना, कि पोटी बराबर हो जाए। हाँ चिकन सूप रात को, हाँ हाँ ये सब नहीं खाने को चाहिए, फ्राइड राइस चाहिए, बटर चिकन, फ्राइड राइस चाहिए, बटर चिकन चाहिए, चिकन चिल्ली चाहिए, ये सब बराबर दो। हाँ मैं तो खाऊंगी अम्मी ब्राउन वाला मंचूरियन, मंचूरियन सूप। चलो गाइस पहले ये खाते फिर मिलते हैं हम लोग। गाइस हमारा खाना हो चुका था और हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो हम लोग को मिल गया है छोटा सा सरप्राइज। तो मेरी दोनों ननंद लोग आ गए हैं मेरे से मिलने के लिए। ऐसे आए तुम लोग तो मिलने ही हुआ ना यो नहीं, वो बोले मैं कल जा रही तो मैं मिल के जाऊँ, समझे। हाँ वैसे भी मैं आई रही थी घर पे आज, नहीं मालूम था ना लोग। हाँ अरे झगड़ालू बिल्ले, चुप बिल्ला है ये छोटा है, बिल्ली के साथ लड़ती है, वैसे बिल्ला है ये, और ये सब बिल्लियों से लड़ते रहते थे। हाँ वो बिल्ला चले गया, टकला बिल्ला था, तुम पर्शियन बिल्ला हो। अरे मेहमान थोड़ी है, तो बाहर तक चलेगा सोच बाय बाय करने के लिए। देखो अंदर पंचायत तो किए, बाकी बाहर भी करने लग गए। अरे जाओ अभी, फीलिंग पंचायत, हाँ पंचायत, तुम्हारा पंचायत से तो पेट भर आता है। चल गाइस हम लोग उतर गए थे नीचे, सब ऐसे कि पर हमने लाइट नहीं लिए थे तो वो आज ला के देने ही वाले थे, पर मम्मी को अच्छी नहीं लगी थी लाइट, इसके लिए हम लाइट लेने उतर गए नीचे। तो यहाँ पर सब लाइट्स है, वहाँ पर अंकल दिखा रहे हैं मम्मी को, मस्त आ गई पसंद तुमको, तो देख के लेते तो पसंद आती है ना। सभी घर पे जाएंगे तो घर पे जाके आप लोगों को दिखाते कैसा। गाइस हम लोग आ गए थे घर पर और हम लोगों ने लाइट्स भी लगा दिए हैं, सो वो रही हमारी लाइट। क्या सब बत्ती बंद कर दो, ऐसा लग रहा है मालूम होता है क्या जो खेलने लगाते हैं लोग, मतलब पार्टी। देखो वाओ अच्छी लग रही है, चलो अच्छी। मम्मी बाहर के लिए एक्स्ट्रा लेके आएगी, बोले बाहर की रोज खिड़की हम लोग की रोड साइड की है, ये यहाँ की है, तो मम्मी बोले बाहर लगाओगी तो बाहर अच्छी लगेगी। बच्चे लोग लगाते ना वैसे, कौन से बच्चे लोग लगाते हैं अपने को, तो वाली लगाने वो सब यहाँ नहीं मिलेगा। मामला पूछे तो साठ रूपए की, 400 रुपए की लाइट है, एक तो 600 रुपए बोला। अच्छा तुम्हारा दोस्त है कोई, कुछ होता तो है नहीं तुम्हारे से। बारी है सूप पीने की, सब मम्मी सूप बना दिए है और माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी है, बस इसमें एक चीज की कमी है, वो है टाइम पास। क्या बोलते उसको, फ्राइड नूडल्स। मम्मी को पीना है, तुम्हें ससुर को पीना है, कहाँ से लेके आओ, कहाँ मिलता है। नहीं मम्मी बोलते घाटिया डाल देती हूँ, घाटिया पिघल जाएगा मम्मी, क्या कुछ भी बोलते हो। हाँ वो कड़क कड़क ही रहते हैं। हाँ इंशाल्लाह भाई, अब्बा का एयरपोर्ट गिर गया, अब्बा कैसा है, अब्बा अंडे वाला खा रहे हो, मैं कम चिकन बिना अंडे का खा रही, क्योंकि फिश की स्मेल कुछ होता है इसलिए। आती है अच्छा, पीले से आती है। क्या बोल, तुम बात ही नहीं करते अभी, किधर जा रहे हो ऐसा तैयार हो के तुम। आंटी ने लाइट लगा दी है, मैं चालू कर दूं। रात को कौन तैयार होता है ऐसा, टोपी वोपी पहन रहे। हाँ वो ही मैं बोली कि एक दिन ही पठानी पहनते से। हाँ पठानी है,
ए तुम्हारे कपड़े निकालो, बारहवीं शरीफ में क्या पहनोगे, जाओ टेलर को तो टाइट करो। सो गाइज मैं यही ब्लॉग एंड कर रही हूँ, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।